कमांडो, हॉस्पिटल के सामने खड़े होके फूफू कर रहे? बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी इस पे, मौत, और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। ऐसा विषय जिसने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, स्पाई थ्रिलर्स, नॉवेल्स और फिल्म्स बनाने पे मजबूर किया। क्या कभी किसी ने एक पल के लिए यह भी सोचा कि यह हमारे सामने हुआ होता, हमारे वक्त में? अगर मुझसे पूछो तो मैं कहूंगा नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं होता। यहां मौजूद सभी ऑफिसर से पूछो, उन सब का भी यही जवाब होता। हैरानी की बात नहीं है, ये सब शुरू हुआ कोरिया से। नहीं, अगर नॉर्थ कोरिया के ट्रूप साउथ कोरिया में जाएंगे तो इसका मतलब है युद्ध छेड़ना। आपको आगे बढ़ना है। अभी क्या हालात है हमें रिपोर्ट करो। सर, रडार से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। हम बहुत ही खतरनाक हालात में हैं। मेरा नाम सू है और मैं एक सैनिक की पत्नी हूं। मैं समझ सकती हूं कि न्यूक्लियर वॉर का परिणाम कैसा होगा। एक छोटे से मुद्दे से इसकी शुरुआत होती है, जैसे कि साउथ कोरिया की बेवजह की वो हरकतें। मुझे वो दिन याद है जिसे अमेरिका रक्षा विभाग ने अस्वीकार और गैर जिम्मेदाराना कृत्य कहा है। उत्तर कोरिया द्वारा उकसाने वाले कृत्य के जवाब में एक अमेरिकी एयरफोर्स B-52 स्ट्रेटो फोर्स ने ओशन के आसपास के क्षेत्र में एक निम्न स्तरीय उड़ान का संचालन किया। एयरबेस दक्षिण कोरिया ने भी अपनी उड़ानें भरी। इधर काहिरा और पूरे मध्य पूर्व, अफ्रीका और एशिया में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके। पुलिस ने आंसू गैस से जवाब दिया। यह प्रदर्शन भारी किलेदार अमेरिकी दूतावास के पास हुआ, लेकिन इसने प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी सरकार को दोष देने से नहीं रोका है। प्रदर्शनकारियों ने तो फिर से वो वक्त आ ही गया। मुझे फिर से मध्य पूर्व में नौसैनिकों के लिए भेजा जा रहा है। मैं आपको इससे ज्यादा नहीं बता सकता। मैं ठीक रहूंगा, जैसे हमेशा रहता हूं। आई लव यू। आई लव यू टू। मैं जल्द ही लौटूंगा। वैसे इस समय आपका भाई कहाँ तैनात है? एरन, वो कहीं युद्ध अभ्यास कर रहा है, गुआम या जापान या शायद कहीं और। और मोर्चे पर जाए, ना पाए। युद्ध कैंप के सैनिकों मेरी बात सुन पा रहे हैं? जाओ जाओ, चलो चलो, नीचे बैठो, आगे बढ़ो, हिला मत, कोई हिला मत। दो छापे, एक दक्षिण कोरिया में, एक बाल्टिक सागर में। दोनों एक ही दिन, दोनों युद्ध का ही कार्य करते हैं। लेकिन आपने इसके बारे में बुरा नहीं सुना। अगर रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण करने का फैसला किया तो वो जहाज F-101 नाटो की पूरी प्रतिक्रिया ले रहा था। तो आपको लगता है कि रूसियों ने ऐसा किया था? बहुत ज्यादा हर कोई करता है, लेकिन यहाँ एक बात है, उन हमलों में से प्रत्येक के लिए हमने हर बार यूएस के अंदर एक इकाई से आने वाले डेटा और ट्रैफिक में बड़े पैमाने पर स्पाइक का पता लगाया। खबर पक्की है। अच्छा, आपके सीनियर क्या सोचते हैं? उन्हें लगता है कि ये सिर्फ सहयोग था, मेरा मतलब, लेकिन ये बहुत विशिष्ट है। ये इन छापों में से दो पर हुआ था और ये लगभग 3 सप्ताह पहले तेल लादने के 7 छापे पर हुआ था। मैं इस बारे में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? माइक, आप FBI हैं, आप अमेरिकी कोण की जाँच कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता कि मेरे पास किसी प्रकार का अधिकार है। मैं कहां से शुरू करूंगा? हमने स्रोत को 40 मील त्रिज्या तक सीमित कर दिया है, कहीं ना कहीं वाशिंगटन DC के पश्चिम में। मैं आपको अभी कुछ फाइलें भेज रहा हूं। हाँ, उन्हीं के माध्यम से भेजें, मैं एक नजर मार लूंगा। मुझे बताएं कि आप इसके साथ क्या कर सकते हैं। देखता हूँ। थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है देव, सावधान रहें। क्या ये एक आदमी या पुरुषों के समूह के लिए संभव है कि दुनिया भर में छोटी छोटी घटनाओं की एक श्रृंखला को ऑर्केस्ट्रेट करें जो हमें युद्ध में खींच सकते हैं? गुआम में तट और मिसाइल बैटरियों को नष्ट करने के लिए कोरियाई प्रायद्वीप पर B-2 बॉम्बर उड़ानों से अमेरिकी सेना दिखा रही है कि वो उत्तर कोरिया को अपना रास्ता भेजने के लिए तैयार है। बाल्टिक सागर में पिछले सप्ताह के युद्ध में उत्तर कोरिया और रूस दोनों देश एक दूसरे को दोषी साबित करना चाह रहे हैं और दोनों अपने जिद में अड़े हैं। पेंटागन के पास ऑप्शन है कि वो नॉर्थ कोरिया की मिसाइल को एयर पावर से नष्ट कर सकती है। लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स भी जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स और गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्सेस को नष्ट कर सकती है। जहाजों और ट्रक पर चढ़कर बैटरी को नष्ट करने से पहले मिसाइलों को नष्ट करना पड़ेगा। उत्तर कोरिया का सबसे करीबी सहयोगी चीन क्षेत्र में किसी भी एकतरफा सैन्य अधिनियम का विरोध करता है। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया, अमेरिका और अन्य अमेरिकी सहयोगियों पर हमला करने की धमकी दी है। हम आत्मसंतुष्ट हो गए हैं, हम सभी एक सपनों की दुनिया में रह रहे हैं। इतने लंबे समय तक जितने विस्फोट चारों ओर किए गए थे, शायद ही अब वो कहीं नजर आए। अब तो बहुत देर हो चुकी है। हमें संदेश दीजिए। सर, स्टेटकॉम का संदेश, हमें कोरिया स्टेट मोड हथियार हॉट ओवर का आदेश दिया गया। ओके, धन्यवाद। कूदो, जल्दी कूदो। हमें 160 फीट नीचे ले जाएं। बाहरी हैच खोलें। आप सच में कहाँ हैं? मैं वॉशिंगटन डीसी से लगभग 75 मील पश्चिम में एक क्षेत्र में हूँ। आपके कुछ दोस्त पेंटागन में आते हैं और कुछ अजीब सा सिद्धांत देते हैं जो किसी ना किसी तरह इसे अमेरिकी सैन्य हमलों से जोड़ता है। और आपको क्या लगता है कि आप उनका पीछा करेंगे और हमें पता नहीं चलेगा? किसी को कैप्टन की जांच करनी होगी। मुझे वास्तव में लगता है इसमें कुछ हो सकता है। डेटा बहुत ही अलग है। मेरा मतलब है उन हमलों में से प्रत्येक 50 आदमी या उससे कम लोगों द्वारा किया जा सकता था। वे सभी हमें युद्ध के करीब ले जाते हैं। केवल तभी यदि आप इस षड्यंत्र में शामिल हैं। इसके बारे में क्या? आईएसआईएस के पागल आदमी ने कैसे किया, उत्तर कोरियाई लोगों ने कैसे किया और रूसियों ने किया। मतलब आप कह रहे हैं कि अमेरिका की कुछ इकाई ने गुप्त रूप से हमें युद्ध में आकर्षित करने के लिए इन छापों की योजना बनाई है। मेरा मतलब है कोई ऐसा क्यों करेगा और ये कैसे करेगा? कृपया कैप्टन बस मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, फिर मैं इसकी जांच शुरू करता हूँ। तो सुनो, मुझे हर घंटे हर दिन का पूरा लेखा जोखा चाहिए और मुझे हर चीज की लिस्ट मंडे को चाहिए। तुम्हारी समझ में आया ना? इस बीच अब 25 दिन हो गए हैं जब आतंकवादी हमलों ने मध्य पूर्व में सैकड़ों तेल क्षेत्रों में आग लगा दी थी और अभी भी वे चलते हैं। अभी तक कोई भी प्रमुख आतंकवादी पकड़ा नहीं गया है, जिसमें उसके नेता हसन अल शेरी भी शामिल है। विशेषज्ञों का कहना है जब तक आतंकवादियों को रोका नहीं जाता है, मध्य पूर्व में बड़े पैमाने पर युद्ध आसन्न हो सकता है। हेलो। हाय हनी, मैं बस अभी पहुंचा। मुझे शांत जगह मिली तो मैंने सोचा फोन कर लो। सैटेलाइट फोन से बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं यहाँ बहुत बिजी रहने वाला हूँ। तुम अपना ध्यान रखोगे ना? ओ, तुम तो मुझे जानती हो। तो वहाँ पर क्या चल रहा है? सब ठीक ठाक तो है ना? वैसे यहाँ पर भी कुछ ज्यादा ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, मुझे जाना होगा। I love you. I miss you. Bye. तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। अगर अशांति जारी रहती है तो तेल की कीमतें ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच सकती हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज रात के मिशन में कम से कम 2 या 3 आतंकवादियों को मारना या पकड़ना शामिल है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे ऑयल शिपमेंट्स पर हमला किया था। इस वक्त ये मोस्ट वांटेड है और इन्होंने फिर से हमला करने की धमकी दी है। हमारे लैंड करते ही हम पर जोरदार हमला हो सकता है। संभल कर जाना और अपने सारे हथियार ले लेना। रेडियो चेक। गुड मॉर्निंग जेंटलमैन, मानसून के 246 की उड़ान भरी है। गुड मॉर्निंग ड्रैगन 01, उड़ान 2 अमेरिकन मरीन कॉर्प्स हेलीकॉप्टर है। 1500 फीट ऊपर पूर्व में 10 मील दक्षिण पश्चिम पैरागन पर। घेराबंदी के लिए मिशन उत्तर ईरान में 01। तो चलो सब अपने अपने मैप्स निकालो। हम जिस एरिया में उतर रहे हैं उसे जान लेते हैं। पहले हम झाड़ियों के बीच में उतरेंगे, वहां से हम जंगल के बीच से होते हुए बेस तक जाएंगे। वहां पर हमलों के मास्टरमाइंड के होने की संभावना कम है, लेकिन एक बात पक्की है, उसके खास आदमी वहीं बेस पर होंगे। 147 ईगल, रिक्वेस्ट ऑल। एक एलजेड अफसर की तलाश में। उत्तर की तरफ उड़ान भरो। चलो 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 जल्दी। अल्फा टीम्स मेरे साथ रहना। वहां पर झाड़ियां देख रहे हो, वहीं पर हमें फायर करना है। दो आदमी नीचे पहले से ही है। ड्रैगन फ्लाई लीड अल्फा टीम 1 से बोल रहा हूँ, झाड़ियों में फायरिंग करो। 300 मीटर नॉर्थ की तरफ जल्दी। ओवर। रोजर दैट। हम अंदर घुस चुके हैं। मुझे यहाँ दुश्मनों की टोली दिख रही है और उनके पास बहुत खतरनाक हथियार हैं। पीछे हटो। ड्रैगन फ्लाई, जैसे ही तुम पोजीशन पर आओ फायरिंग शुरू कर दो। ओवर एंड आउट। रोजर दैट। हेलीकॉप्टर हमें कवरिंग फायर दे रहा है। चलो आगे बढ़ो। बहुत लोग मारे गए हैं, बाहर खुले में जाना होगा। हम पर जोरदार फायरिंग हो रही है। ड्रैगन फ्लाई। रोजर दैट। मैं वापस आ रहा हूँ। ड्रैगन फ्लाई वापस लोकेशन पे आ रहा है। हेलीकॉप्टर फिर से आ रहा है, उसे कवर की तरह यूज करो। चलो चलो। क्या हो रहा है सर? वो हमें टुकड़ों में काट रहे हैं। हमें किसी भी तरह झाड़ियों तक पहुंचना है। ड्रैगन फ्लाई, जितना गोला बारूद है सब दाग दो। ओवर। रोजर। कोऑर्डिनेट 4196/1595। ओवर। रोजर दैट। काम कर दिया। चलो झाड़ियों में चलो चलो चलो। जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। घायल लोगों के लिए डॉक्टर की जरूरत है। ओवर। ओके रोजर, हम आगे बढ़ रहे हैं। अल्फा टीम्स, हमें नॉर्थ की तरफ 1.5 बेस के एज की तरफ बढ़ना है। जितनी देर तक रेडियो साइलेंस मेंटेन कर सकते हो करना। अल्फा टीम्स, हम आगे बढ़ रहे हैं। होशियार और खबरदार, सबको पता है टारगेट्स कहाँ हैं। आगे बढ़ो। यहाँ बहुत शांति है। ओवरवॉच, कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ भी नहीं सर। यूनिट 2 वेस्ट की तरफ जाओ। अल्फा 1, 60 मीटर की दूरी पे मुझे कुछ दुश्मनों की टोली दिखाई दे रही है। पीछे जाओ। ओह माय गॉड। सर, यहाँ पर कंटिन्यू मशीन गन की फायरिंग हो रही है। आगे बढ़ना नामुमकिन है सर। रोजर, मैंने सुन लिया है। हम पहले ही अंदर घुस चुके हैं। जमीन पर सैनिकों के आगे बढ़ती मौत के बारे में सभी जानते हैं, और जो अब तेल की कीमतों की वजह से लीबिया और अन्य मध्य पूर्व के तेल उत्पादक देशों में अशांति है। सर, अब ठीक है ना? रोजर दैट। हम वापस कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। ड्रैगन फ्लाई लीडर, तुम्हें टावर की तरफ बढ़ना होगा। खतरा है, संभल कर। आई रिपीट, खतरा है, संभल कर। रोजर दैट। अर्जेंटली फायर करो ड्रैगन फ्लाई, अर्जेंट। रोजर दैट। अब हम अंदर हैं और फायरिंग शुरू करते हैं। बहुत बढ़िया ड्रैगन फ्लाई। टारगेट तबाह हो गया है। आई रिपीट, टारगेट तबाह हो गया है। आगे बढ़ो। ऑल यूनिट्स, रास्ता क्लियर हो गया है। अब हमें उन टेररिस्ट को पकड़ना है जिनके लिए हम यहाँ आए थे। कोशिश करना कि जिंदा पकड़े जाएं। जरूरी हो तो ही मारना। आगे बढ़ो। hey, move, move, आगे बढ़ो, जल्दी करो। जाओ जाओ जाओ, जल्दी जल्दी। गुस्ताव, देखो तुम। घुसो, अंदर घुसो। कोई बचना नहीं चाहिए। छोड़ना मत किसी को। देखो ध्यान से, अंदर जाओ, अंदर जाओ। सबको चलो, आश आगे आगे। चलो जल्दी जल्दी करो, रुक जाओ। आश आश, पोजीशन लो अपना। यस पोजीशन। हमने अल हजरी को पकड़ लिया है। आई रिपीट, अल हजरी को पकड़ लिया है। एचपीआई सुरक्षित, ब्रेक। हमें नदन सेक्टर में एक हथियारों से भरा ट्रक दिखाई दे रहा है। वो एक सफेद गाड़ी में है। उत्तर पूर्व का कोना। हम कंफर्म करते हैं। हाई प्रायोरिटी वाले टारगेट अब्दुल नासर कंपाउंड से भाग रहे हैं। कॉपी दैट, क्लियर टू फायर। स्विच ऑन। आगे रास्ता क्लियर है। ऑलराइट, फायरिंग। टारगेट कंप्लीट है। रिपीट, टारगेट कंप्लीट है। ऑल यूनिट्स, बहुत बढ़िया, मिशन अकम्प्लिश्ड। चलो वापस चलते हैं। आज हमने कुछ बढ़िया आदमियों को खोया है, हमारे भाइयों को खोया है। सरकार द्वारा संचालित मीडिया ने धमकी को प्रसारित करते हुए कहा है कि जो लोग एक बार उत्तर कोरिया को उकसाएंगे वो अपने अकल्पनीय सजा से बच नहीं पाएंगे। बोलिए। एजेंट मुरली। 9 ये कौन है? 7 6 5 4 Hello. 3 2 T minus 10 9 8 7 6 कौन है? 5 4 3 2 1 लिफ्ट ऑफ। यस सर। जीन, मेरे फोन पर एक कॉल आई थी, उसे ट्रेस करके बताओ प्लीज। 1 मिनट, मैं लाइन पर हूँ। ये सीरिया का आर्मी का नंबर है। सीरिया? यस। क्या आप वो नंबर मिला सकते हैं? 1 मिनट। हेलो, ये स्पेशल एजेंट है माइकल, बात कीजिए सर। क्या आपने अभी मुझे कॉल किया था? मैंने कोई कॉल नहीं किया। तुमने सीरिया के पास एक सिक्योर मिलिट्री लाइन पर कॉल किया। मैं तुम्हें कॉल क्यों करूंगा? आप बताएंगे कि मैं किससे बात कर रहा हूं? मैं हूं लेफ्टिनेंट केलिप जोन्स, यूएस स्पेशल फोर्सेस, और तुम्हें इस लाइन पर फोन करने का कोई अधिकार नहीं। और आप सीरिया में क्या कर रहे हैं? जो मैं कर रहा हूं वो एक सीक्रेट मिशन है। और सुनो, तुम न्यूज तो देखते हो ना, तो ये जानते ही होगे कि कल रात हमने 2 ऑयल टेररिस्ट को पकड़ा है। वो आप थे? मैं उसी लिए तो यहाँ आया हूँ, उन टेररिस्ट को एक वॉर करने से रोकने के लिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। ठीक है, मैं स्टेट में भी ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ करना, पर मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आपके फोन से कॉल आई थी, इसका कोई बड़ा कारण हो सकता है। हेलो। हाय स्वीटहार्ट। हाय मॉम। तो केलिब ठीक हो गया क्या? हाँ, वो तो ठीक हो गया, पर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। आजकल तो मुझे ठीक से नींद भी नहीं आती। मुझे भी नींद नहीं आ रही है, लेकिन हमें सब रखना होगा। शांत होने की कोशिश करो। के आप कौन सा चैनल देख रही हैं? लोकल न्यूज। उत्तर कोरिया पर एक और हमला। वॉशिंगटन ने इस क्षेत्र में एक नौसैनिक हमले की ताकत बढ़ाई, जबकि प्योंगयांग ने चेतावनी दी थी कि वो परमाणु हथियारों के साथ विशेष रूप से दक्षिण कोरिया और अमेरिका मुख्य भूमि दोनों को निशाना बनाकर अमेरिकी आक्रमण के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेगा। एक अमेरिकी विमान वाहक बोट समूह येलो सी में दक्षिण कोरियाई बेड़े में शामिल होगा। उत्तर कोरिया ने चेतावनी, यकीन नहीं हो रहा कि ये सब हो रहा है। पूरा कोरियाई प्रायद्वीप युद्ध के कगार पर खड़ा हो जाएगा। Striker inbound. F-101 उड़ान के लिए तैयार है। टेक ऑफ के लिए 3 शून्य की मंजूरी दे दी गई। F-101 उड़ान भर ली है। IS-99 को भी टेक ऑफ के लिए मंजूरी दे दी गई है। Eagles 4 ये बॉल्टिक एयर कमांड है। हमारे पास एक रूसी MiG-23 उल्लंघनकारी हवाई क्षेत्र में है। 2105 द्वारा 3599 का समन्वय करता है। इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़ें। Eagles 4 ये बाल्टिक एयर कमांड है। हमारे पास एक रूसी MiG-23 उल्लंघनकारी हवाई क्षेत्र में है जो 2105 द्वारा 3599 का समन्वय करता है। इंटरसेप्ट करने के लिए आगे बढ़ें। कॉपी करें कि कमांड। कैथी, मैं वापस रिपोर्ट करने वाला हूँ। 21 पर उसका पीछा करने वाले हैं। मैं 21 को हवाई क्षेत्र से बाहर लाने वाला हूँ। कॉपी। एयरकॉम, हमारे पास रडार पर लक्ष्य है। अवरोधन बंद करना। मैं उसे देखता हूँ। ब्रेक गठन Eagles 4। अज्ञात रूसी विमान, आप यूक्रेनी हवाई क्षेत्र पर अत्याचार कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि आप अपने कोर्स में परिवर्तन करें और इस क्षेत्र को साफ करें। बेहतर लुक के लिए बंद होना। Eagle 3 वापस। बॉक्स एक बार। वो मिसाइल दाग रहा है। बॉक्स फायर दूसरी बार। उसका लक्ष्य क्या है? कोई लक्ष्य नहीं है। वो फायरिंग सिर्फ वार्निंग देने के लिए कर रहा है। ऐसा लगता है ये नीचे फायर करना चाहता है। सारे फ्रीक्वेंसीज पर रूसी विमान को बदलने से पाठ्यक्रम में परिवर्तन होगा या आपको निकाल दिया जाएगा। ओवर। बैटलिक कमांड Eagle 1 बोल रहे हैं। आपकी परमिशन चाहिए फायरिंग के लिए। Eagle 1, तुम फायर कर सकते हो। फिर से कहता हूँ, तुम फायर कर सकते हो। फायर। रास्ता क्लियर है। अच्छा निशाना आधे में नष्ट हो गया। रूसी विमान नष्ट हो गया है। रिपीट, रूसी विमान नष्ट हो गया है। धन्यवाद। हाँ बोलो। माइक देव बोल रहा हूँ। क्या आपने रूसी प्लेन के बारे में सुना? नहीं। हमारे लोगों ने इसे केवल यूक्रेन पर गोली मार दी। मेरा मतलब है कि रूसी एक फिट फेंक रहे हैं। वो सभी प्रकार की चीजों की धमकी दे रहे हैं, लेकिन हमें वो स्पाइक फिर से मिल गया। मुझे लगता है कि हम आपका काम करने में सक्षम होंगे। तो जो मैं देख रहा हूँ वो क्या देख रहा हूँ? मुझे नहीं पता। कंप्यूटर हब कहीं भी नहीं है। मेरा मतलब है कि कॉम टावर्स, कुछ भी जो जगह बाहर दिखता है। मुझे तो कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ, पूरी तरह से पागलों वाली बातें मेरे कप्तान ने कही हैं और उसकी सच्चाई मुझे पता चल गई है। ठीक है, थैंक यू कि आप वहाँ हैं। कोई तो इस सामान की जांच करेगा ही। आप बस वही करते रहिए जो आप कर रहे हैं। मुझे यकीन है सब कुछ बदल जाएगा। ठीक है। थैंक्स मैन। हेलो सुजन, मुझे अभी तुम्हारे भाई का फोन आया था। वो लैंडिंग का हिस्सा बनने जा रहा है, पहली लहर के किनारे का हिस्सा उत्तर कोरिया में। क्या मतलब है आपका? वो लोग युद्ध अभ्यास छोड़कर वहां लड़ने के लिए जा रहे हैं। एमपीबीएस लोग पहले जा रहे हैं। क्या तुम जानती हो कि हारून ने मुझे क्या बताया? ऐसा कुछ जो मैंने पहले कभी नहीं सुना। क्या? उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वो इस बार वापस आ पाएंगे। उन्हें लगता है कि इस बार वो लोग भारी मात्रा में हैं और भयंकर युद्ध होने वाला है। मैंने कभी उसे इस तरह बोलते नहीं सुना। दुश्मन हमारे आसपास के क्षेत्र में पहुंच गए हैं। हमारे लिए यह खतरनाक है, हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। तो आप सब लोग तैयार हैं? तो हम लोग आगे बढ़े। परमाणु युद्ध में विजेता कौन बनता है? जिसके सबसे अधिक मिसाइल बचे हुए हैं, जिसके सबसे अधिक विमान हवा में हैं, जिसके कम से कम शहर राख हो गए, क्या वो विजेता कहलाता है? यूएसएस जॉर्ज वॉशिंगटन कोरियाई जल में पहुंच गया। विमान वाहक पोत दक्षिण कोरिया के पूर्वी तट और उसके आसपास में बल के इस महत्वपूर्ण प्रदर्शन का केंद्र बिंदु है। हेलो। हाय हनी, मैं अभी बेस पर पहुंचा हूँ। यहाँ पर बहुत कुछ चल रहा है तो मैं नहीं जानता आप कब बात कर पाऊंगा। क्या तुम ठीक हो? अच्छा, तुमने एरन के बारे में सुना? वो कह रहा था कि वो युद्ध के लिए जा रहा है। वो लोग नॉर्थ कोरिया में लैंडिंग करने वाले हैं। क्या लैंडिंग? मुझे नहीं पता था। एक्शन लेने की बारी है। हम अपने तैनाती एरिया से संपर्क कर रहे हैं। जैसा कहा था वैसा ही हो रहा है। ये एक श्रेणी खोजक है। अंतर्देशीय है। सुनो, आपको शहर से बाहर जाना ही होगा। उत्तर कोरिया में अमेरिका के बड़े पैमाने पर लैंडिंग। शूटिंग युद्ध अंततः शुरू हो गया है क्योंकि उत्तर दक्षिण सीमा पर बमों की बारिश होती है और सियोल शहर पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। अमेरिकी सूत्रों का दावा है कि उत्तर कोरिया के हर परमाणु हथियार और सुविधा को नष्ट कर दिया गया है। जबकि मरीन पूर्व से प्योंगयांग के पास आता है, पीला सागर में एक विशाल बेड़ा पश्चिम कोरिया से उत्तर कोरिया पर हमला करने। विशेषज्ञों का कहना है कि ये 24 घंटे से पहले होगा जब बेड़े वास्तव में उत्तर कोरियाई जल में प्रवेश करेगा। इस बीच मध्य पूर्व तेल संकट ने भी एक नाटकीय मोड़ ले लिया। अमेरिकी सेनाओं द्वारा 2 प्रमुख आतंकवादियों को ले जाने के बावजूद हसन अल शेरी का मास्टरमाइंड आगे के हमलों की धमकी दे रहा है क्योंकि आसपास के रीजन के नेशन युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। सभी ध्यान से सुनिए, 0310 एक हफ्ते पहले तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है और अब हालात बहुत बिगड़ गए हैं। येलो सी में 50 जहाज और समुद्री तटों पर भारी मात्रा में सैनिक घुस रहे हैं, जिनमें से एक मेरा भाई और एक मेरा पति है जिनका कोई पता नहीं। गनर 0995 ओवर। 995 1-1 के लिए जाओ। अंदर जा सकते हैं, ओवर। 9511 अप। 95 प्रति, मैं इसे अपने ऊपर से जाने दूंगा। 11 कॉपी। लेफ्टिनेंट आपके लिए लाइन पर सेंटकॉम। लेफ्टिनेंट जोन्स। ये जनरल कॉनलन सेंटकॉम से बस 2 रातों पहले आपने मिशन पर आपकी प्रशंसा करना चाहता था। वो बहुत ही प्रभावशाली काम था। आपको अपने मिशन पर जानकारी दे दी गई है, लेकिन दूसरे कई वजहों से आपको अभी तक लक्ष्य की जानकारी नहीं दी गई है। मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि आपका उद्देश्य आज तेल हमलों के शीर्ष मास्टरमाइंड हसन अल शेरी की हत्या या उस पर कब्जा करना है, और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमें लगता है कि वो पिछले 7 घंटों से लगातार बमबारी में मौजूद थे। हमने हवाई क्षेत्र को निकाल दिया है, कवच को भी निकाल लिया है, और हमने उन्हें भूमिगत कर दिया है, लेकिन हम अभी भी उन पर बमबारी कर रहे हैं। संक्षिप्त रूप से हम ब्रावो टीम में एक ग्राउंड काफिले और आपकी टीमों के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भेज रहे हैं। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? रॉजर दैट सर, मैं सबको समझा दूंगा। हमले की तैयारी में UH-1 नीचे की तरफ जाइए, आग लगने वाला है। रेड 995 ऊपर आइए। रॉजर दैट। हम यहाँ फंसे हुए हैं, आप जब अंदर जाए तो बताइएगा। आगे क्लियर है। मैं फिर से लक्ष्य खोजने की कोशिश कर रहा हूँ। वेस्ट की तरफ पढ़ो जल्दी। 1.3 क्लिक वेस्ट की तरफ। कि ये जगह पुरानी सैन्य सुरंगों की एक प्रणाली पर बनाया गया था। कोई नहीं जानता है कि वो कितने सालों से है और वहाँ पर है क्या। एल-शरी का बंकर गहरा भूमिगत है। हमने एक जगह तय की है जहाँ आप उन सुरंगों में अपना रास्ता विस्फोट करके बना सकते हैं और उस बंकर को ढूंढ सकते हैं। आगे बढ़ें। सुरंगें ज्यादातर खाली मिलेंगी, लेकिन कौन जानता है कि आपका सामना किससे हो जाए। हमने ये सुना है कि बहुत से स्थानीय लोग अंदर जाने से मना कर देते हैं। हमें इसकी कोई वजह पता नहीं है, शायद कोई अंधविश्वास हो या शायद कुछ और। ये कहता है कि हसन अल-शरी उसी कमरे में कहीं होगा। वो जगह एक तरह की भूल भुलैया है। सारे रास्ते आपके ई-मैक्स पर अंकित हैं। टारगेट सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर है। वहां पर मुझे लगता है वहां कोई है। जल्दी इस तरफ। लगता है वो हमारे पीछे हैं। शायद हमने उन्हें खो दिया। चूंकि युद्ध दांव पर लगा हुआ है, तो आपका मिशन है उस बंकर को ढूंढना, लक्ष्य को पकड़ना या उसे खत्म करना। यही है वो बंकर। सर, यहाँ पर कोई नहीं है। भाग गए। एजेंट मुरली स्पीकिंग। देखो, ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। तुम यहाँ वापस आ जाओ, कोई बहाना नहीं। मुझे यहाँ पे वैसे ही बहुत सारे काम है और मैं नहीं चाहता कि मेरा सबसे अनुभवी एजेंट इस वक्त कुछ और करे। बस मुझे कुछ दिन और चाहिए कैप्टन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो आपको कोई ठोस सबूत आपके हाथ में मिला है? जवाब दीजिए। खैर, हमने खोज को सीमित कर लिया है। मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ, वो भी सुबह में इस ऑफिस में। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। पत्ते रहो। अमेरिका के नेतृत्व वाला बेड़ा अब उत्तर कोरियाई जल में प्रवेश करने से सिर्फ 7 घंटे दूर है। चीन ने संयुक्त राज्य को चेतावनी दी है कि वो मूर्खतापूर्ण तरीके से नहीं बैठेगा और उत्तर कोरिया पर हमला करने की अनुमति देगा, लेकिन अभी तक उसने हस्तक्षेप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। और इसी बीच अमेरिका की थल सेना ने प्योंगयांग के 130 मील के दायरे में संपर्क किया है। अभी तक उनकी सेना को बहुत कम नुकसान हुआ है। आगे पूरी तरह से घेराबंदी है, हमें संभाल के आगे बढ़ना होगा। फायर! एक सैनिक की गाड़ी आ रहा है। नैंसी बोल रही हूँ। हेलो केलब, मैं सू बोल रही हूँ। वाह, यकीन नहीं होता सेलफोन पे नेटवर्क मिल गया। एरन के बारे में कुछ बताना है। वो जिस प्लेन से गया था उस पर हमला हो गया। क्या वो ठीक तो है? वो कोमा में है। ड्राइवर के साथ साथ 4 और सैनिक मारे गए हैं। वो उसे एक एयरक्राफ्ट कैरियर से ले जा रहे हैं। अब क्या होगा? देखो, ये तो एक अच्छी बात है। उन कैरियर्स में सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिलती हैं। उसका वहाँ अच्छा ख्याल रखा जाएगा। वो कह रहे थे कि वो शायद ठीक नहीं हो पाएगा। देखो, फिक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगा। वो इस वक्त सबसे सुरक्षित जगह पर है। अमेरिका के नेतृत्व वाले बेड़े के उत्तर कोरियाई जल में प्रवेश करने से सिर्फ 30 मिनट पहले की बात है। बेड़े का नेतृत्व अब 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और संख्या 70 जहाजों द्वारा किया जाता है, जिसमें जापान, कनाडा और दक्षिण कोरिया के जहाज शामिल हैं। चीन और रूस दोनों ने संयुक्त राज्य अमेरिका को गंभीर चेतावनी जारी की है, लेकिन अभी तक हस्तक्षेप करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है। अभी 5 मिनट पहले तक, जब तक कि पहला अमेरिकी जहाज उत्तर कोरियाई के पानी को पार नहीं करता, अमेरिका ने हर परमाणु स्थल पर ही नहीं बल्कि उत्तर कोरिया के हर हवाई क्षेत्र को भी नष्ट करने का दावा किया है। अब हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि उत्तर कोरिया अब किस तरह से रिएक्ट करेगा, या अपने समर्थन वाले देशों का वो इंतजार करेगा। हम इस लाइव फीड के साथ क्षेत्र में ही रहेंगे, क्योंकि पहला अमेरिकी जहाज अब उत्तर कोरियाई जल को पार करने वाला है। अब ये साबित हो चुका है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का नियंत्रण आसपास के पूरे एरिया में है और उन्हें वास्तविक खतरे का आभास भी हो रहा है। सर, मैं एक बहुत बड़ी वस्तु दिखा रहा हूं जो समुद्र के किनारे से निकल रही है। एक सबमरीन। नेगेटिव, गलत आकार। ये हमारे नीचे से पास आ रहा है। एक सबमरीन हमारे नीचे ही आ रही है। इससे बचने का कोई उपाय बताइए। क्या हुआ है, लेकिन जो भी हो रहा है वो बहुत ही बुरा हो रहा है। ट्रांसमिशन के उस नुकसान के लिए माफी चाहते हैं। हमने अचानक बेड़े से अपने सभी फीड खो दिए हैं और हम अभी भी किसी भी जहाज से संपर्क करने में असमर्थ हैं। सैटेलाइट इमरजेंसी अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन उस समय के आसपास प्रकाश की एक विशाल फ्लैश की खबरें हैं जो हमने संपर्क से खो दिया था। कुछ लोग अनुमान लगा रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं वो परमाणु हमले का परिणाम है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की जा सकी है। Boom! Boom! इस क्षेत्र के लिए 2 नेवी हेलीकॉप्टरों से हमारे पास एक नया लाइव फीड है। दूरी में आप जिस जहाज को देख रहे हैं, और वो USA बैंड ब्रिज है जो उस क्षेत्र में तेज गति से चल रहा है जहां उस बेड़े को अंतिम बार देखा गया था। अमेरिकी इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक हो सकता है। हेलीकॉप्टर्स जहाजों को खोजने में असफल हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह एक जहाज पानी के ऊपर है, हालांकि स्पष्ट रूप से बहुत बुरी तरह से वो क्षतिग्रस्त है। पायलट ने हमें जानकारी दी है कि उन्हें लगता है कि वो यूएसए क्रॉबलिन है, बेड़े के पीछे के विध्वंसक जहाजों में से एक। अब वो धीरे धीरे हमारे करीब आ रहा है। अब आप धुएं के अंबार को भी देख सकते हैं। उन्होंने जहाज को बिना किसी प्रतिक्रिया के संकेत देने की कोशिश की है। ऐसी परिस्थिति में किसी के भी जिंदा रहने की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। दूसरा हेलीकॉप्टर अब एक और जहाज के बारे में जानकारी दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये वो यूएसए ऑक्टेन है जो बेड़े के सबसे पीछे वाले जहाजों में से एक था। आप देख सकते हैं कि ये जहाज बहुत खराब स्थिति में है। ऐसा लगता है कि ये डूबने के बहुत करीब है। पायलट कह रहे हैं कि पीछे ज्यादा मलबा तक नहीं बचा है और बाकी के बेड़े में वास्तव में कमी आई है, जो कि संबद्ध इतिहास में अब तक की सबसे खराब समुद्री आपदा है। और इस आपदा में तकरीबन 30,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। माइक, यहाँ बहुत ही गड़बड़ हो गई है। मुझे लगता है आपको वो सेंटर मिल गया जिसकी आप तलाश कर रहे थे। ये एक डर्ट रोड के एंड में है, आपके लोकेशन से ज्यादा दूर नहीं है। मैं अभी आपको डिटेल्स भेजता हूँ। हाँ, मुझे मिल गया। अपने अप्रोच के लिए केयरफुल रहना। वो कॉपी कर लीजिए, मैं वहाँ पहुँचकर आपको कॉल करूंगा। सरकार के माध्यम से पुष्टि की गई है कि वास्तव में ये एक परमाणु उपकरण था, लेकिन ये दावा कर रहे हैं कि उत्तर कोरियाई आत्मरक्षा में काम कर रहे थे। चीन का कहना है कि अगर अमेरिका ने उत्तर कोरिया के खिलाफ परमाणु हथियारों का जवाबी हमला किया तो चीन पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। हेलो सू। कैलब, तुमने देखा आयरन उस शिप में था? मुझे पता है। देखो, मुझे इस बात का दुख है। सुनो, आपको फौरन अब एक चीज करनी है। आपको इस शहर से बाहर जाना है, अभी के अभी। वहां पर रुककर रोने से कुछ भी नहीं होगा। देखो, मेरी बात सुनो, अमेरिका चाइना पर हमला करेगा और इसमें न्यूक्लियर हमला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे में आपको वहां से निकलना ही होगा। नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आधे घंटे में सारे रोड जाम हो जाएंगे, लोग शहर छोड़ना चाहेंगे। बात समझो। कहाँ? तुम्हें पता? सू, मेरी आवाज आ रही है? कैलब? सू, बैटल स्टेशन सीईडी लॉन्च के लिए और स्पिन अप मिसाइल CED-3 के लिए। ठीक है, हम रेडी है। जब आपको पता हो कि परमाणु युद्ध शुरू होने वाला है तो आप क्या करेंगे? शुरू करने और लॉन्च के लिए जाने के लिए एक लॉन्च स्थिति जांच कर रहे हैं। ओसीसी हम जा रहे हैं। टीसीसी लॉन्च के लिए है सर। माइलन डीएल लॉन्च के लिए गया है। एसटीएम जाना है। एसआरओ जाना है। आपके पास लॉन्च करने के लिए एक सीमा है। 4 मिनट 30 सेकंड और गिनती शुरू करें। का निशान एंड काउंटिंग। 45 सेकेंड एंड काउंटिंग। 35 सेकेंड। 27 सेकेंड। 20 सेकेंड एंड काउंटिंग। 20वीं सदी में आप लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। 21वीं सदी में वे अपनी सभ्यता खो देते हैं। 20वीं सदी में आप लोगों ने अपना विश्वास खो दिया। 21वीं सदी में वे अपनी सभ्यता खो देते हैं। 10, 9 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.